हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम दोबारा देखने जा रहे हैं जेईई मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव से है, यानी कि SHM से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है, इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is equal to radius of earth that is capital R, time period will be, options हमारे पास है t is equal to pi under root of r upon g, t is equal to 2 pi under root of 2 r upon g, t is equal to 2 pi under root of r upon g, t is equal to 2 pi under root of r upon 2g। और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज t is equal to 2 pi under root of r upon 2g। तो ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे, और रेडियस ऑफ अर्थ जब इक्वल हो जाता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो वहां पर बस टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है देख लेते हैं इस वीडियो में बिना कोई देरी किए। तो चलिए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी How to solve this question now? तो फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन में डिटेल्स दी रखी है सबसे पहले डिटेल्स को लिख लेते हैं, और जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं, और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बस दिखा दिया रखा है हमारे पास, दे रखा है भैया सिंपल पेंडुलम। क्या है भैया सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के बारे में बात की जा रही क्वेश्चन में, और यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, जो एल इफेक्टिव है, जो लेंथ होती है सिंपल पेंडुलम में, एल इफेक्टिव उसको हम कहते हैं, वो आप पास किसके दे रखी है, इक्वल रेडियस ऑफ अर्थ के हमें इक्वल दे रखी है। ठीक है, और हमसे फिर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है भैया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बता दो सिंपल पेंडुलम का जिसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गई है। तो ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, एक ही बात दे रखी है और एक ही हमसे बात पूछी गई है। इसको अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊँ तो हमें पता है ये ऊपर इस तरह से सीलिंग होगी और यहाँ पर ये इसका बॉब हो गया। ठीक है, ये बस क्या है BOB बॉब है, और ये हमारे पास जो है ये लेंथ, ये होती है एल इफेक्टिव, और जो कि हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर दे रखी है, ये ध्यान रखना आपको। और हमसे इसका टाइम पीरियड पूछा गया है भैया, जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे सिंपल बात की गई है। तो देखिए, जब भी आपका जो एल इफेक्टिव है फॉर एल इक्विवेलेंट, जब आपका जो लेंथ है किसका, जो एक थ्रेड जो बंधी हुई है जिससे बॉब, उसकी जो लेंथ है अगर वो इक्विवेलेंट हो जाए किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के, तो वहां पर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल आर अपॉन जी इंटू आर प्लस एल। यहाँ पर आपको ये चीज देखनी होगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पाई पहले था जो भी था, अंडर रूट जी हमारे पास पहले भी था फॉर्मूला में, लेकिन एल आर आ गया ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे आ गया आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर। तो इनिशियल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, l तो था पहले से और ये भी l था, g भी था, हमने क्या करा है r अपॉन r प्लस l को यहाँ पर कर दिया है बस। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है जब आपका जो इफेक्टिव लेंथ है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाती है टाइम पीरियड का किसी भी सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, ये बाबा सिंपल जो नॉर्मल केसेस के लिए ये वाला यूज करते हैं, लेकिन यहाँ के लिए हम ये वाला यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूं, एल की जगह मैं क्या डालूंगा, आर डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देयरफॉर क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई, अब देखिए मैं एल की जगह क्या डाल रहा हूँ, आर डाल रहा हूँ, तो एल मेरे पास ये है तो आर हो गया इंटू में आर अपॉन में क्या हुआ जी इंटू में आर प्लस आर हो जाएगा, तो 2R हो गया। ठीक है, एक आर से एक आर उड़ गया, क्या बच गया यहाँ पर, ये बच गया प्लस 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन 2G, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो फ्रेंड, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पर आपको सिंपल ये ध्यान रखना था अगर इफेक्टिव लेंथ का रेडियस ऑफ अर्थ के साथ कंपैरिजन हो सकता है तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड का, ये वाला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, हम पहले लिख लेंगे फिर r अपॉन r प्लस l आपको ये लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नहीं कर पा रहे अगर ऐसा नहीं है कि l इफेक्टिव रेडियस ऑफ अर्थ के इक्विवेलेंट है या फिर उससे कंपैरिजन कर सकता है, तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने एल की वैल्यू डाल दी आर के बराबर और फिर हमने सॉल्व किया तो हमें बस ये मिल गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन 2g। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन करना था, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा।
लेकिन अगर इसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे आके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका जो भी डाउट होगा उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं जो सलूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए बड़ा ही छोटा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ले आना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।